हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स 29 पे। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6 क्लास कर रहे थे हम। तो 6 क्लास के हम 6 लेसन कर चुके हैं, आज हम 7वां लेसन करेंगे जिसका नाम है नए पर्सन नए विचार। तो लेसन का नाम है नए पर्सन नए विचार, ये आज हम 7वां लेसन कंप्लीट करेंगे। तो 6 लेसन की समरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम 7वां लेसन करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। बौद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से ग्रंथ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर का सुकून छोड़ दिया। तो ये थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी है, वो आप देख लीजिएगा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कौन सा पेड़ था वो जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो पीपल का पेड़ था। इसको ध्यान में रखें, बोध गया में हुई थी, बिहार में है बोध गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। तो पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था बुद्ध ने, इस बात का भी आप ध्यान रखें। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो कुशीनारा में जो अंतिम समय था महात्मा बुद्ध का, वो कुशीनारा में गुजरा था। कुशीनारा में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, तो इस बात का भी ध्यान रखें। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। बुद्ध ने लिप्सा को तृष्णा कहा है। तो बुद्ध की जो शिक्षा थी वो यही थी कि जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है और ये जो दुख है हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी इच्छाएं और लालसा के कारण आते हैं, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। बुद्ध ने अपनी पहली जो अपनी शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, क्योंकि उस समय जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, तो जो शिक्षा थी उसे समझना थोड़ा आसान हो जाता था, इसलिए प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं दी। तो अगला पॉइंट है उपनिषद। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा है। उपनिषद का शब्द का जो अर्थ है वो गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत होती थी उसका संकलन किया गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। तो जो भी इस जो चर्चाओं में भाग लेते थे वो जो है ब्राह्मण और राजाओं के बीच जो बातचीत चर्चाएं होती थी ये ज़्यादातर। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लेते थे। गार्गी एक महिला है, तो एक प्रकार की महिला जो मतलब अनुभवी है, तो वो भी राज दरबार में जो वाद विवाद होते थे उनमें भाग लिया करती थी। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये रचना लगभग 3000 साल पहले की गई। तो जो व्याकरण की रचना है वो पाणिनि की, महर्षि पाणिनि, तो इनका भी आप ध्यान रखें। तो कब की थी ये? 3000 साल पहले की थी। जैन धर्म, अगला पॉइंट जो है वो जैन धर्म। तो जैसे कि हमने पिछले लेसन में बताया था कि महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जो है वो दोनों ही गण और संघ से जुड़े हुए थे। तो गण और संघ से जुड़े हुए थे, इसका अब जो महात्मा बुद्ध का जो था वो पहले भी आ चुका है कि संघ से जुड़े हुए थे। तो अब जैन धर्म के इसी युग में अर्थात लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो वर्धमान जो महावीर का, महावीर जो जैन है उनका बचपन का नाम था वर्धमान। तो उन्होंने 2500 साल पहले जैन धर्म के सबसे जो महत्वपूर्ण तीर्थकर थे वो थे। तो ये वज्जी संघ के लिच्छवी, ये देखिए फिर से संघ आ गया, वज्जी का जो संघ था, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन
कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कठिन और एकाकी मतलब अकेले ही जीवन अपना व्यतीत किया, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ईसा के नियमों पर कड़ाई से पालना करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो ये जो है वो महावीर जैन की शिक्षाओं में से एक था। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, तो इन्होंने भी अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि वो उस समय जो लोग थे वो प्राकृत भाषा ही बोलते थे हम, तो इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में ही दी। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। तो जो प्राकृत भाषा है जो मगध में बोली जाती है उसे मागधी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, जो प्राकृत भाषा उसे मगध में क्या कहा जाता था, उसे मागधी कहा जाता था। इस बात का आप ध्यान रखें। जैन धर्म जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता, तो जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से, जिन का अर्थ है विजेता, तो इस बात का भी ध्यान रखें आप। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो ये यहाँ फैला, इसका ध्यान रखें, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में, उत्तर भारत में तो था ये पहले। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। तो इन्हें लिखा कब गया, इन्हें 1500 साल पहले जो है वो गुजरात के वल्लवी नामक एक स्थान है वहाँ पर लिखा गया। तो आगे है संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो जो संघ था वो महावीर जैन और बौद्ध दोनों के ने यही मानना था कि जो लोग घर का त्याग कर देंगे, सुख शांति का त्याग कर देंगे अपने जीवन में, तो जो लालसा है उसका त्याग करेंगे तो वही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बात का तो उन्होंने इसके लिए जो घर से बाहर रहेंगे उसके लिए एक संघ बनाया था, घर का त्याग करने वालों के लिए। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो संघ में जो रहते थे लोग उनके लिए कुछ नियम थे, वो नियम विनय पिटक नामक एक ग्रंथ में है उसमें मिलते हैं। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। विहार, अगला पॉइंट है विहार। बारिश के मौसम में यात्राएं करना कठिन हो जाता था जिस कारण भिक्षु और भिक्षुणी एक स्थायी स्थान, सॉरी एक पॉइंट रह गया पीछे, भिक्षु शहर तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे जिस कारण उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था। तो ये आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है विहार। बारिश के मौसम में यात्राएं करना कठिन हो जाता था जिस कारण भिक्षु तथा भिक्षुणी एक स्थायी स्थान पर रहते थे जिसे विहार कहा गया। पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर भी बनाए गए हैं। तो बारिश के मौसम में यात्राएं जो करना कठिन हो जाता था, इसलिए एक स्थायी स्थान पर जो संघ के लोग जो थे वो एक स्थायी स्थान पर रुकते थे जिसे विहार कहा गया था। जिस समय बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था का मतलब जीवन में एक चरण, मतलब आश्रम जो चार आश्रम माने गए हैं उनका विकास जो है ब्राह्मणों द्वारा किया गया। जब बौद्ध और महावीर जैन का जो समय चल रहा था समय काल के दौरान, तो जो चार आश्रम थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक चार आश्रमों की व्यवस्था की गई। जरस्तु एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। इसकी मूल शिक्षा का सत्र था सद विचार, सद वचन और सद कार्य। तो ये सब था इसमें, ईरानी पैगंबर थे एक, तो उनके लिए ये बताया गया। तो ये आज हमारा सातवां लेसन कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।